नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के डेली करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 हाल ही में किस शहर में शुरू हुआ? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ। ठीक, अगला प्रश्न। हाल ही में राज्यसभा ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। यह विधेयक किस राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करेगा? झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, ओडिशा की या राजस्थान की? तो दूसरे का विकल्प बी सही है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को संशोधित करेगा। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध लेखक हरि नारके, जिनका निधन हो गया है, किस समिति के सदस्य थे? YH मालेगाम समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, राम निवास मिर्धा समिति, रंगनाथ पठारे समिति? तीसरे का विकल्प डी सही है, रंगनाथ पठारे समिति। अगला प्रश्न। स्वीडिश अधिकार पुरस्कार किसने जीता है? सर्गेई तिखानोवस्की, मारिया कलेसनिकवा, स्वेतलाना तिखानोवस्काया, अलेक्जेंडर लुकाशेंको? नाम सारा अजीब अजीब है। चौथे का विकल्प सी सही है, स्वेतलाना तिखानोवस्काया। तो स्वीडिश अधिकार पुरस्कार भी तो है, ये भी तो देखिए। राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन किससे संबंधित है? बच्चों से, महिलाओं से, छात्रों से या बेरोजगारों से? पांचवें का विकल्प बी सही है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन है इसलिए महिलाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न। किस कंपनी को टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेडिसिस से, IBM को, विप्रो को या जियो हैप्टिक को? तो छठे का विकल्प डी सही है, जियो हैप्टिक कंपनी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया है? महाराष्ट्र ने, कर्नाटक ने, गुजरात ने या उत्तर प्रदेश ने? तो गुजरात ने। ठीक, अगला प्रश्न। सेंट्रल बैंक ने UPI लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा कितनी बढ़ा दी है? 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये? आठवें का विकल्प डी सही है, 500 रुपये। अगला प्रश्न। RICS साउथ एशिया अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? सुभाष लुढ़वाल, सुबोध लोढ़ा, चंद्रू रहेजा या मंगल प्रभात? नौवें का विकल्प ए सही है, सुभाष लुढ़वाल। दसवां प्रश्न। मां नर्मदा लोक किस राज्य में मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या छत्तीसगढ़ में? दसवें का विकल्प ए सही है, मध्य प्रदेश में। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।